ताई जी हमें भी जानती है। पहली बार मिले भाई भाई से। लाल भाई मिल गए बढ़िया से, देखो मस्त लग रहे भाई। मंदिर साफ दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पास ही है, चढ़ाई चढ़ने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एनर्जी बिल्कुल भरी हुई है। ये देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, काफ़ी लेट, और अभी रेडी हो गए हैं। मैं और गट्टू जा रहे हैं, आज मैं आपको ले चलूँगा माँ दीवा के डांडा, और माँ दीवा के दर्शन कराएंगे आपको, जो कि बैजरो से ऊपर रसलियाणा दीवा है और काफ़ी दूर है, तो ट्रैक काफ़ी लंबा होने वाला है। तो अभी मैं और गट्टू निकल रहे हैं और आज फर्स्ट राइड होने वाली है बाइक की भी। तो चलिए भाई आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ और गट्टू भी बढ़िया है। तो रेडी हो गए हैं, चलते हैं भाई घर से। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी हम घर से निकलते हैं। चलिए भाई घर से निकलते हैं, मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, और आज मैं आपको स्पेशल अपने स्पेशल दोस्तों से मिलाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी जाने माने हस्तियाँ हैं। उन सबसे आपको आज मैं आपको ऐसे दोस्तों से मिलाऊंगा जो जाने माने हस्तियाँ हैं। चलिए भाई स्पेशल दोस्तों से मिलाने वाला हूँ आपको, और दर्शन भी कराएंगे आपको माँ दीवा के। तो आज वहाँ पर पूजा होगी, माँ दीवा की डोली जाएगी आज शाम को, यानी पोखड़ा से जाएगी शायद, तो हमें पोखड़ा निकलना पड़ेगा, और वहाँ से फिर दीवा का जो ट्रैक है उस साइड का दिखाऊंगा। जो मेन ट्रैक है उस साइड से तो नहीं जाएंगे, लेकिन पोखड़ा वाला ट्रैक आपको दिखाऊंगा। तो चलिए भाई देखते हैं कैसा रहता है। तो अभी आगे गट्टू जा रहा है, तो गट्टू राइड करेगा, तो यहाँ से चलेंगे हम नीचे वाले रास्ते जगहपुरी से होके। और मौसम देखो भाई कितना मस्त लग रहा है ना, ये देखो। और ये है अपनी बाइक जिसका भी हमने नामकरण नहीं किया है ना। चल जल्दी चल, लेट हो जाएगी फिर। तो आज मैं आपको माँ दीवा के दर्शन भी कराऊंगा, और पहली बार जा रहा हूँ मैं माँ दीवा के डोली वाली यात्रा में, तो देखते हैं भाई कैसे रहती है हमारी यात्रा। चल बैग में दे दे, कोई बात नहीं। चल तो यहाँ से हम जगह पूरी होके निकलेंगे। जय माँ दीवा। जूते नहीं पहने कुछ, जूते गर्मी के टाइम पे जूते नहीं। चल हवा बहुत तेज चल रही है और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा है। जय माँ दीवा, जय भोलेनाथ। पोखड़ा पहुँचना है, तो काफ़ी दूर का ट्रैक होने वाला है, लंबा ट्रैक। अपना खूबसूरत सुहाना सा मौसम अपने साइड का। अपने गांव के मार्केट में, और ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा ये मेरा गांव है मासी चौथान, जो कि थलीसेन ब्लॉक पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहां से अपनी यात्रा शुरू होती है। और आज एक साल बाद यहाँ पर, तो जो मेरा बीएड का कॉलेज था इस साइड, और ये है भाई बेदी खाल का मार्केट, ये देखिए भाई यहाँ पर। यहाँ से इंतज़ार करेंगे जिनका इंतज़ार करना है, मैंने बोला था ना आपको स्पेशल दोस्तों से मिलाने वाला हूँ, तो वो यहीं पर आने वाले हैं। तब तक हम थोड़ा लंच कर लेते हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। फाइनली अभी एक दोस्त मिल गए यहाँ पर मुझे। ये देखिए
अरे हेलो क्यों नहीं दिखाना है, ज्योति मिल गई देख पे, ये पहचान नहीं रही मुझे, मैं कौन हूँ। हाय ठीक है, कहाँ से आ रही है? बढ़िया, मैं अभी अब मिल गई है ज्योति, बढ़िया। तो दोस्त अभी एक साल बाद मिल रहा हूँ मैं ज्योति से, और कॉन्ग्रेचुलेशन यार, पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सगाई होगी ना, कार्ड दे दियो, नहीं दिएगी तो हम ऐसे आ जाएंगे बिना, यार मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। क्यों फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी? हमने बी एड साथ में ही किया था यहाँ से बेदीखाल से, और अभी एक दोस्त मिल गई है, और भी आपसे मिलाऊंगा अभी आगे आगे, अचानक प्लान बनाया यार, तो पहले पता नहीं था कि आना है। बेदीखाल का मार्केट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, एक साल बाद वापस हो रही है इस वाले मार्केट में। मेरे यहाँ पर फाइनल हो गया था 2023 में बी एड, और अब ऊपर तो ऊपर है हमारा कॉलेज बी एड का, और अभी गांव का एक दोस्त भी है यहाँ पर। चलिए भाई पहले आपको ले चलते हैं, गुट्टू को कुछ खिलाते हैं, यहाँ पर भूख लग गई है। चलिए भाई तो भाई गुट्टू भाई का वेट कराते कराते 2 घंटे हो गए हैं। बेदीखाल में हम 1 बजे पहुंच गए थे, अभी वेट कर रहे हैं, और 1.5 घंटा हो गया यार अभी तक पहुंचे नहीं, 15 मिनट बोल रहे हैं दोनों भाई, पता नहीं कब तक पहुंचते हैं। चलो भाई इंतजार कर ही लेते हैं, और थोड़ा कर ही लिया है तो 2 घंटे पूरे कर ही लेते हैं, तब गुट्टे अपने आप बताते हैं दोनों को, ठीक है बता देना हम चौथानी को, हम चौथानी है, बता देना हम चौथानी है इन क्या बोले ढाई वालों को। चले भाई आपको मिलाएंगे ब्लॉगरों से, जो कि काफ़ी फेमस ब्लॉगर हैं इस साइड के, उनसे मिलाते हैं, और मैं भी पहली बार मिलने वाला हूँ दोनों भाई से। चलो भाई आने वाले हो गट्टू पकड़ो इनको आज। तो भाई जिनका इंतजार कर रहे थे ना वो अब पहुंच रहे हैं यहाँ पर, दोनों के दोनों धन्यवाद धन्यवाद, उतरो तो सही, बाहर तो उतरो, बाहर तो उतरो, दोनों को पकड़ गट्टू, अब पकड़ गट्टू, 2 घंटे 1.5 घंटे वेट करा लिया इन्होंने, गट्टू पकड़ दोनों को, दोनों को पकड़ भाई, उतरो भाई, कितना इंतजार कराओगे। ये आ गए भाई फेमस ब्लॉगर है आके, ये देखो दोनों के दिनों दिपो भाई, और नमस्ते नमस्ते, बढ़िया नमस्कार नमस्कार, खुश रहो दिपो भाई, देखो भाई ये मिल गए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए भाई उन्नति की ओर यार, राहुल भाई नमस्कार, गले मिलो यार, राहुल भाई मिल गए बढ़िया से, ये देखो मस्त लग रहे भाई, सेम टू सेम आंसू, गट्टू गट्टू सेम टू सेम आंसू, ब्लॉग में तुम्हें लगते भाई ऐसे, लेकिन भाई सेम टू सेम आंसू, आंसू भाई देख ले तेरा डुप्लीकेट है, सेम टू सेम सच में भाई, राहुल भाई बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ये देखो भाई, और फुटबॉल भाई, भाई मजा आ रहा है मां कसम, मजा आ रहा है, मजा तो अब आएगा, 2 घंटे वेट करा लिया यार, खत्म आ गई यार, 2 घंटे वेट करा लिया। और ये छोटा भाई काठी साहब बढ़िया हो, कैसे हो, मजे में, शर्मा मत यार, बढ़िया बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। चलो भाई दोनों भाई जिनका इंतजार कर रहे थे वो फाइनली पहुंच गए यहाँ पर, और हमें यहाँ पर मिल गए हमारे भाई सर जी, बढ़िया सर जी, चलो हमारे साथ चलो यार, चलो हमारे साथ, आज नहीं क्यों मुश्किल, अच्छा आएंगे कल परसों, और बढ़िया ना स्वास्थ्य वाणी सब, मस्त एकदम बढ़िया, मस्त बढ़िया बढ़िया। चले जी सर भी मिल गए हमें यहाँ पर, एक साल के बाद मिल रहे हैं, 1.5 साल हो गया नी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आ चुका है, धन्यवाद, वैसे तो व्हाट्सएप में दे दी थी बट पहली पता लग गया था। चलो भाई आगे हैं जिनका इंतजार था, अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से हमने कहाँ जाना है, पोखड़ा जाना है, ठीक है पोखड़ा जाएंगे यहाँ से, पहली बार मिल रहे भाई भाई से, पहली बार, और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ गया, भंडारी भाई को देख के मजा आ गया, चलो हमारे गुरु जी से मिलने हो गया है, मैनेजर है, बाकी ये लिपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सीख रहे हैं, रुको इस चीज का पता ला लूंगा बहुत जल्द, बिल्कुल आज हम मिल गए भाई बेदीखाल के फेमस ब्लॉगर दिपो भाई से, पहली बार मुलाकात हो रही है, धन्यवाद धन्यवाद सभी देखने वाले दर्शकों को, मेरा नमस्कार है। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है माँ दीवा की, चलिए भाई आगे
चलते जब तो आगे बढ़ता है ना मुझे समझ आता है ना। हाँ ऐसा लगता है कि ये चीज मैंने की है। धन्यवाद आपका। जब मैंने ये ली ना, जब मैं ले लिया ना, तो कसम से यार वो खुशी हुई ना मुझे, खुशी अलग ही फीलिंग ने। इसका नाम क्या रखा है? बिंदुली। यहाँ देखो बिंदुली। यो भाई पहली बार मिल गया बिंदुली, जो हमने देखा था ब्लॉग में। ये देखो बिंदुली, ये बिंदुली है। देखो भाई बिंदुली, पटवार भाई की बिंदुली। अब दूसरी बिंदुली कहाँ है भाभी जी? उसको भी मिलाएंगे। चलो भाई मौसम भी खराब हो गया दोस्तों यहाँ से। और गट्टू मैं तो आए थे, दीपू भैया हैं, राहुल हैं और काठी भाई आए। तो हम यहाँ से चलेंगे, पांच जने हैं, हम यहाँ से पोखरा जाएंगे। और पोखरा वाली रोड ये है और ये जाते हैं रोड सैतुखाल बरसोली और नीचे गाँव का पता नहीं भाई। तो दीपू भाई के लाइफ में जो गट्टू वाला रोल मेरे लाइफ में है वैसे ही है, काठी भाई का रोल है दीपू भाई के साथ। ये देखो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पहली बार जा रहे हैं? अरे क्या बात है, बढ़िया। दोस्तों अभी हम इस वाले बैंड पे पहुंच गए हैं और यहाँ से पोखरा कौन सा है भाई? 3 किलोमीटर है इस रोड पे। चल चलो पीछे बैठाता हूँ। आपके चश्मे ठीक है, ये लो। चश्मे बहुत मस्त है। अब हेलमेट पहन के चला। ये मुझे वो लग रहे हैं 60 रुपए वाले फौजी भाई के टपा रखे मैंने। फौजी भाई 60 रुपए लाओ। यहाँ से 3 किलोमीटर है। वर्षा अब यहाँ से गट्टू पीछे बैठते हैं ठीक है। ट्रैकिंग अभी हम कहाँ पहुंचे हैं राहुल भाई? गवाणी में। गवाणी तो ये भाई गवाणी का मार्केट छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इस साइड भी है, लास्ट यहीं तक है ना। कहाँ जाएंगे अभी? यहाँ से होगा तगड़ा ट्रैक, ऊपर साइड पैदल ट्रैक बहुत खतरनाक। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, गवाणी से ऊपर ट्रैक करेंगे। थोड़ा सा अभी बाइक में जाना है, उसके बाद पैदल ट्रैक होगा। अच्छा। और मौसम देखिए भाई दोस्तों, आप बारिश वाला बना हुआ है, चेंज होता रहता है, कभी भी बदल सकता है, कभी बदल सकता है। जैसे हमें राहुल भाई बता रहे हैं मौसम चेंज होता रहता है। हमारे पास टेंट है, वैसे हम टेंट जो कैंपिंग वाला टेंट है वो लेके आ रखे हैं। यहाँ से हम कुछ सामान ले जाएंगे, कैरी करेंगे और रात के डिनर के लिए कुछ ले जाना पड़ेगा। भाई भी पहली बार आ रहे हैं? पहली बार दूर से। राहुल भाई नहीं, पहली बार तो नहीं आ रहा हूँ, आप बहुत बार रखा हूँ यहाँ से। ट्रैक पहली बार कर रही है? कर रखा है ट्रैक? पहली बार होगा ट्रैक? पहली बार होगा सबका? पहली बार होगा दीपू भाई का? एक बार हो रहा है। और एक भाई ने और ज्वाइन कर लिया है, भाई का नाम? मेरा नाम है प्रियांश रावत। प्रियांश रावत वेलकम आपका, वेलकम वेलकम मिस्टर मंडे चैनल में, वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। बंद वगैरह ले जाओ, बंद ले जाओ, बंद वगैरह सांस ले जाओ उसके साथ, इसमें वेट भी नहीं होता है। और पता क्या उनकी लदड़ भी जल्दी पूरे। बिल्कुल सही बात, कसम से बंद हो। किसी का पेट खराब भी नहीं होगा? तुमने बोल दिया तो हमने कर दिया। किसी का पेट खराब भी नहीं होगा? तुमने बोल दिया तो हमने कर दिया। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं झलबड़ी गांव के सामने। और ये है भाई झलबड़ी गांव, काफ़ी प्यारा गांव है, आप देख सकते हो जंगलों के बीच बसा हुआ है, दीवा डांडा के जंगलों के बीच में मात्र एक गांव। और यहां से शुरू होती है यात्रा हमारी। तो डोली अभी पीछे से आ रही है, यहां तक रोड है लास्ट। और जो हमें रास्ता दीवा मार डांडा का है वो इस साइड को जाना है हमने, इस गदरे से होके ऊपर। चलिए भाई अभी चलते हैं जी। हेलो प्रियांश रावत जी हैं। हेलो जी, हेलो सर, ठीक हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। गट्टू भी मिल गया आज पटवाल भाई से, कैसे लग रहा है गट्टू? बारी बारी में मुझे बनाने चलो भाई। गट्टू कैसे लग रहा है पटवाल भाई से? राहुल भाई को ब्लॉग नहीं बनाने देंगे हम, नहीं बनाने देंगे भाई। नहीं नहीं बनाने देंगे राहुल भाई को, बिल्कुल नहीं बनाने देंगे हम आज, इनके बीच में बोल देंगे। गट्टू भाई देखो आज आप पहली बार आ रहे हो हमारे ब्लॉग में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
बिग फैन है वो। तो भाई दोस्तों अभी डोली यात्रा कुछ ही देर में शुरू होगी, वैसे तो वहां से शुरू हो चुकी है बट हम वहां से काफी आगे आ गए हैं जहां से डोली जो है कि मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी ऊपर के लिए। तो यहां तक तो रोड है और यहां से फिर चढ़ाई लगने वाली है। भाई दोस्तों सामने जो गांव दिख रहा है वो जलपड़ी गांव है और यहां से माता का मंदिर ना काफी पास दिखाई दे रहा है और रूट भी है, दो चार रूट और भी है तो उन जगह से ना काफी दूर लगता है बट यहां से ना मंदिर साफ दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पास ही है, चढ़ाई चढ़ने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एनर्जी बिल्कुल भरी हुई है। ये देखो सब कुछ बिल्कुल, बाकी सब कुछ फिट हो रहा है भाई। दोस्तों बोलो माता रानी की जय। जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय माता दी। शर्मा रही है, छोटी छोटी गुड़िया भी जा रहे हैं यात्रा पे तो दीदी लोग भी आ गए। जय माता दी, जय माता दी। कौन से गांव से हैं आप लोग? पालीदार। अच्छा ऊपर साइड पालीदार है, माता के दर्शन करने ऊपर ऊपर जा रहे हैं सभी दीवा। अच्छा यहीं तक डोली, डोली के साथ आधे तक। ठीक है ठीक है ठीक। हाय जय माता दी, बोलो जय माता दी। दादी प्रणाम। जय माता दी। यात्रा पे जा रहे हैं आप लोग सब? ठीक ठीक ठीक। दादी जी प्रणाम प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी। तो सभी लोग आ गए यात्रा करने। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए भाई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो काफी लोग आ रहे हैं यात्रा करने पे। जय माता दी। देखिए भाई सभी आ गए हैं गांव से, अभी डोली आने वाली है तो दर्शन करने सब पहुंच गए हैं यहाँ पर। तो माता की डोली आ गई है, अभी यहाँ से यात्रा शुरू होगी। डोली के साथ हम भी चलेंगे, महादेव की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों अभी महादेव की डोली आ गई है झलपड़ी गांव में, तो महादेव की यात्रा यहां से शुरू होगी। इस वाले रास्ते होंगे, इस वाले ऊपर चोटी पे, तो काफी खतरनाक ट्रैक होने वाला है महादेव का। हमारे ताई जी है ना, हम सभी के ब्लॉग देखते हैं। ताई जी आपका सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग कैसे बहुत आशीर्वाद है। तुम तीनों तुम मार की कसम, दाल खाने तुम इतना बढ़ गए। हम भी
यात्रा शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में जो यात्रा होगी माँ दीवा की। तो राहुल भाई बिल्कुल अब हम यहाँ से हमारा दोस्तों ट्रैक शुरू हो गया है और माता की जयकारी के साथ करते हैं इस ट्रैक को। जय माता रानी। इस वीडियो को रखेंगे दोस्तों इतना ही क्योंकि आपको जो अगला पार्ट जो मिलने वाला है ना वो काफी तगड़ा मिलेगा। इस खूबसूरत ट्रैक की खूबसूरती देखने को मिलेगी और साथ में माँ के दरबार में माँ के दर्शन होंगे। तो मैंने बताया था ना आपको खास दोस्तों से मिलाने वाला हूँ। एक थे राहुल भाई, राहुल ब्लॉग इनका चैनल है, एक बार विजिट जरूर करना। और हमारे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। और एक थे पटवाल भाई, तो पटवाल भाई को तो कौन नहीं जानता है, बस हम ही दो हैं जिन्हें कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता है। तो राहुल ब्लॉग एक बार जरूर चेक करना, राहुल रावत ब्लॉग। और ये बंदा भी इतना खतरनाक है, ये लास्ट में प्रमोशन कर रहा है जहाँ तक तो कोई नहीं पहुँचता। नहीं हम इसको सबसे आगे रखेंगे फिर। बिल्कुल है ना, सबसे आगे रखेंगे। जय माता रानी। जय हो।